सैंड ड्यून्स की तरफ। और उधर चलेंगे और आपको उधर का भी कुछ नज़ारा दिखाएंगे। चलो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक फ्रेश वीडियो के अंदर, फ्रेश एपिसोड के अंदर। मैं आपका इंडियन ट्रेवलर आका कमलेश उदयपुर से जैसलमेर के नए टूर पे। लगभग एक महीना मैंने टूर नहीं किया था, मैं लास्ट पुष्कर से आ गया था। मैं जयपुर भी गया था लेकिन मैंने कुछ शूट नहीं किया। अभी मैं जैसलमेर में हूँ और जैसलमेर में बाड़मेर से जैसलमेर जा रहा था तो बीच रास्ते में मैंने कोशिश की एक जगह रुकने की। फ़िलहाल बाड़मेर टू जैसलमेर जो रास्ता जाता है, जो सेंट ड्यूस के अंदर बीच में होके हाईवे जाता है बाड़मेर जैसलमेर वाला, उसके सेंटर में लगभग जैसलमेर से 50 किलोमीटर पहले रुक गया हूँ क्योंकि भूख लगी थी, हमको कुछ खाना था। तो मेरे साथ मेरा दोस्त साजिद है, केरला से आया हुआ है। तो ये मेरे पास ही था हॉस्टल, मेरे पास काउच सर्फिंग में था जो उदयपुर में, तो हमने सोचा कि साथ में ही हम जैसलमेर चलते हैं। तो अभी हम दोनों जैसलमेर जा रहे हैं और उसके बाद हम जोधपुर तक जाएंगे। जोधपुर से ये कहीं और चला जाएगा और मैं शायद और कहीं चला जाऊँगा, वो मैं आपको बताऊँगा। मैं एक नया स्टेट पूरा कवर करने वाला हूँ तो वो भी सरप्राइज़ आपके लिए। तो फिलहाल हम यहाँ रुके हैं, कुछ मैगी वैगी बनाएंगे। साजिद की बाइक है, साजिद बाइक से पूरा ट्रेवल कर रहा है इंडिया की तरफ से। और ये अपना सारा सेटअप, अभी अपन मैगी वैगी बनाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे यहाँ पे और फिर अपन चलेंगे। ऊपर थोड़ा लेके चलूँगा सेंट की तरफ आपको और थोड़ा व्यू भी दिखाऊँगा वहाँ से। और तब तक के लिए कुछ म्यूज़िक व्यूजिक बज रहा है तो वो भी आप इन्जॉय करो। आप रहो सुजान दास कट रहे हो सांगड़ गांव में, यो कुछ एरियो है सांगड़ गांव, गांव कटे पाचे कतरो सेटी है 4 किलोमीटर पैदल पैदल कर जा रहा है। अच्छा बकरिया वकरिया ले, अच्छा बकरिया ले गया, आओ कहीं नाश्ता पानी करो। मैगी बन चुकी है, अभी हम यहाँ पे हैं और सजीत के ही केरला के भाई। आपका नाम? गुड नेम? मेरा नाम प्रवीण। प्रवीण प्रवीण भाई, ये भी केरला से ही है। हाँ। आप यहाँ BSF में हो ना? ना ना, आर्मी आर्मी में, आर्मी में वो तो छोड़ दे, आर्मी बाद में करना। तो ये भी यहीं के और हम बेटे हैं, ये मिल गए हैं तो अभी साथ में हम कॉफ़ी वगैरह बनाएंगे। सारे डाल दे दूध, कॉफ़ी वगैरह बनाएंगे और फिर पियेंगे और मैगी खा के फिर अपन आगे। तो गाइस अभी हम यहीं हैं, मैगी वैगी खाया है और वो दोनों भाई लोग केरला से हैं तो ऑब्वियसली अपनी बातचीत तो होएगी इतना दूर है तो। और मैं कॉफ़ी लेके, कॉफ़ी भी बनाई थी हमने, अभी मैं कॉफ़ी लेके ऊपर की तरफ चलता हूँ, आपको लेके चलता हूँ ऊपर। थोड़ा ड्यूस टाइप बना हुआ है, मिट्टी के रेत के पैर अंदर धस रहे हैं मेरे भी, दिखाता हूँ मैं आपको, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो भाई साहब क्या ही सीन है यहाँ का, कुछ लोग तो बस सपना देखते हैं कि रेगिस्तान में जाएंगे। ये रेगिस्तान कुछ नहीं है, अभी तक तो आपको बहुत बड़ा वाला रेगिस्तान तो देखना है, अभी वहाँ तो आपको लेके चलेंगे हम। पीछे का व्यू देखो आप, रेत ही रेत दिख रही है, रेत ही रेत। यहाँ पे तो पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं। जब सेंट ड्यूस में जाएंगे अपन, जब सम में जब कैंपिंग करेंगे रात को और वहाँ कुकिंग करेंगे, तब का सीन आप पूछो मत, मतलब आप इंजॉय करो इस चीज़ को। हाँ मुझे पता है बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हम यहाँ बैठे हमको जलन हो रही है, होती है थोड़ी बहुत, होने दो। चलो कुछ ऐसा है। और रेगिस्तान अपना ऊँट तो देख ही लिया होगा आपने, रेगिस्तान का जांच। और आह कॉफ़ी पूछो मत भाई, कॉफ़ी सेम मतलब रेत के अंदर कॉफ़ी, और मतलब गर्मी नहीं लग रही है मुझे यहाँ पे, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठंड मतलब ठंडा है और काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, गर्मी वर्मी ऐसा कुछ सीन नहीं है क्योंकि ठंड का मौसम तो चल गया अभी। ओ माय गॉड, व्यू देखो आप यहाँ से, काफ़ी सुंदर, रेत ही रेत चारों तरफ। ये जो पवन चक्किया है ये सब राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा मेजर रोल है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इनका। तो गाइस अभी अपन चलते हैं नीचे, अब कैंप वैम सब पैक करेंगे वापस और फिर निकलेंगे अपन सैंड ड्यून्स की तरफ और उधर चलेंगे और आपको उधर का भी कुछ नज़ारा दिखाएंगे। चलो तो चलते हैं आज। तो गाइस सब कुछ पैक हो चुका है, अभी
टेंट वगैरह बाकी है, बाकी सारा लगेज हमने पैक कर दिया है, बाइक पे वापस लोड करेंगे एंड देन मूव टुवर्ड्स जैसलमेर। तो गाइस ऑल सेट टू गो, ये हमारा टेंट, हम लग रहे हैं बाबूजी जैसे हम कहीं विदेश जा रहे हैं। और गाड़ी बाहर निकालो जल्दी से, चलते हैं। लगभग यहाँ से 40 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर के बाद जैसलमेर आ जाएगा और फिर आज कैंपिंग करेंगे टेंट के साथ सेम ड्यूज के अंदर, तो वो भी आपको नाइट का शो बताएंगे। तब तक के लिए मैं जैसलमेर आ चुका हूँ, लगभग घंटा भर हो चुका है मुझे यहाँ आए। हमने काफ़ी सारी बातें की, मेरा जो होस्ट है क्रिश भाई वो भी बाहर गए हैं कुछ काम से, कुछ उनका फ्रेंड है जिसकी शादी है तो उसके लिए शॉपिंग करने गए, तो वो आएंगे अभी थोड़ी देर में, उनसे मिलूंगा। तो मैं फिर से काउच सर्फिंग इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर बजट ट्रैवलर एंड बैकपैकर्स। और अभी ऐसा है कि मेरा एक फ्रेंड भी आने वाला है, वो भी काउच सर्फिंग से मिला है मुझे वैभव करके हैं, तो अभी हम हैंगआउट के लिए बाहर जाएंगे, लोकल जो भी होगा उसको कवर करेंगे, देखेंगे क्या है। और हमने आके खाना भी बहुत खा लिया और कृष भाई ने तो 3-4 बार चाय पिला दी हमको, मतलब मनुवार पे मनुवार किए जा रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं आगे कहाँ जाते हैं, मेरे हिसाब से तो हम लोकल मार्केट का एक्सपीरियंस करेंगे। और फिलहाल ये है सारा लगेज इधर रख दिया हमने और हम शायद कैंपिंग कर लें। और गाइस एक चीज़ का ध्यान रखना, कल जो डे सेकंड होगा उसमें हम फोर्ट के ऊपर, फोर्ट के सबसे कोने पे हम कैंपिंग करने वाले हैं या फिर ड्यून्स के अंदर, तो वो जरूर देखना आप। तो अभी कुछ और होगा तो मैं आपको अपडेट देता हूँ, तो जब मेरे साथ बने रहिए इंडियन ट्रैवल के साथ। तो क्रिश भाई का ये कुछ आउटर एरिया है जहाँ हम बैठ के चिल आउट मार रहे थे, यहाँ पे आराम से यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ से फोर्ट सीधा सामने दिखता है और अभी लाइट्स ऑन नहीं है फोर्ट की, लेकिन ऑन होती है तब तो काफ़ी अच्छा व्यू आता है। हो सकता है हम यहीं पे आज टेंट लगाए और यहीं पे सो जाए। और स्पीकर चल रहा है, म्यूज़िक भी काफ़ी अच्छा बज रहा था। और ये जो कोना दिख रहा है आपको, ये वाला टॉप, कल इस पे अपन टेंट लगाने वाले हैं और कल का व्यू जो होता है मेरा वो शानदार होने वाला है, क्योंकि हम फोर्ट के अंदर टेंट लगाएंगे और वो भी सबसे ऊपर टॉप पे। और ये है सेल्फी पॉइंट जहाँ पे तोप वगैरह रखी हुई है फोर्ट के अंदर, बाकी व्यू काफ़ी अच्छा है। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सारे घर वगैरह जितने भी हैं सारे लगभग गोल्डन कलर के हैं, हर चीज़ यहाँ पे, हर दुकान, हर घर होता है सबको गोल्डन कलर से होता है, या तो गोल्डन कलर करवाते हैं या फिर गोल्डन पत्थर लगा होता है। तो इस तरीके का कुछ सीन है यहाँ पे और कुछ टावर वगैरह भी लगे हुए हैं क्योंकि नीचे बैंक है। तो चलो और जो भी होता है अपडेट देता हूँ मैं आपको। तो गाइज बात ऐसी है, मैं बाहर जाके आ गया, अंधेरा था काफ़ी और शूट सही से नहीं आ रहा था, मेरे हिसाब से अभी भी सही नहीं आ रहा होगा, प्रॉपर लाइट ले रहा हूँ लेकिन सही नहीं आ रहा होगा। तो अपन शूट करेंगे कल, क्रिश भाई से मिलाऊंगा आपको कल और जो भी होगा, और मैं कल दिखाऊंगा, अभी ज़्यादा दिखाऊंगा नहीं क्योंकि लाइट भी नहीं आ रही है और हम जो भी करेंगे तो वो सही से आ नहीं पाएगा और आप भी देने जाओगे और मज़ा भी नहीं आएगा। तो चलो इस एपिसोड को अपन यहीं तक रखते हैं, ये मेरा डे फर्स्ट है जैसलमेर के अंदर। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना है। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।